रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। उसने मुझसे पूछा कि मुझे क्या चाहिए। ऐसा मेरे साथ जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। सेक्स मचा यार। चले मैम, हॉलीडेज ओवर। तू किड फ्रेंडली नहीं है बेटा, प्लीज। मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। देखो तुम्हारी बेटी ना, she needs a friendly mom. She needs a mom who's a friend. I'm sorry John, I didn't think of you, but only me. Mama deserves to be happy. नहीं, हमें यहाँ रहना है तो नए रूल्स बनाने पड़ेंगे। देखो अगर तुम्हें किसी भी तरह का सेक्स चाहिए ना, मैं तो बिस्तर रखती हूँ। You're nothing but a middle class prune. यार तुम पागल हो, चलो यार। What? आना छोटी वाली, छोटी वाली। Oh shit! मेरी जान को मेरे दोनों हाथों की जरूरत है। इतना सीरियस क्यों हो रही है? This is nothing, yeah. This is just casual sex, you know. ये व्योमा कौन है? हेलो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या कर रही है? भिंडी बना रही है। कितनी भिंडी बना रही है? ज़्यादा भिंडी खाती कहाँ है? आधा कर और चीज़ ऑमलेट बना, ब्रेड लेंगे। खाली अंडा बनाएगी क्या? मशरूम डाल दे, छोटा छोटा काट दे, पता नहीं चलेगा। आप दोनों में से कोई डिसाइड करेगा मुझे क्या बनाना है। क्या कर रही है? मशरूम क्यों डाल रही है? तुझसे कहा सिर्फ चीज डाल, चीज डाल, ले और कुछ मत डालना, वो खाएगी नहीं। था ना जानो, कभी सोचा जानू ने इसी का वीडियो क्यों बनाया? निखिल का क्यों नहीं बनाया? उसकी तो गर्लफ्रेंड है। फिर निखिल कुछ बनाने के लिए आएगी नहीं है, क्योंकि वो माँ नहीं है। जानो, माँ को ये सब करना चीप लगता है। माँ तो कामली भाई होती है ना, तो सबके लिए पिसना है। सबके लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चों के लिए। तुझे क्या पता, तेरे तो बच्चे हैं नहीं। वैसे भी जिसको तोड़ने में फायदा होता हो वो जोड़ेगा क्यों? लो ब्लो आंटी, पर सोचो ना, किसी के डिवोर्स की वजह से मेरा तो फायदा ही हो रहा है ना। मुझे उनकी फीस भी मिलती है और फ्री की ट्यूशन भी मिलती है, शादी ना करने की ना। तेरी वजह से बर्बाद हुई है ये। बर्बादी तो नहीं हुआ था दी आंटी, सब बनाना होता ना तो गलियों में छोड़ देती। फायदा ही होता, गली में जाके गुंडी बनती मेरी चीवी। गुड मॉर्निंग गाइस, इन्हीं हैप्पी मोमेंट्स के लिए तो मैं सुबह सुबह उठती हूँ। मैं कब से तुम्हें आवाज लगा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, सुनती नहीं हो तुम? ओह आई एम सॉरी, शायद मैंने आपको बताया नहीं, मैं डैड से मिलने जा रही हूँ ब्रेकफास्ट के लिए, सो आई विल कैच यू गाइस लेटर। तुमने बताया भी नहीं। जहान, जहान देखा, ये ठीक से जवाब नहीं देती। तुमसे सीखा हो। हक करते हैं आप लोग। शिवी, शिवी सुन तो। फोन क्यों नहीं किया? देखो भाई, आदत नहीं है। ओके, अकेला रहता हूँ तो भूल गया कि अकेला नहीं हूँ। Does that make sense? Me? Forgot is why. Short term memory loss.
Thanks, Abhijit. 3 months के लिए सही. I'm unwanted. तो feel मत करा. भाई, मेरी गलती है यार. मैं 16 साल की उम्र से ऐसे irresponsible हरकतें करते आ रहा हूँ. तो थोड़ा time तो लगेगा ना responsible होने में, right? I mean तो नहीं है, Dad. एक काम करो आप, please जाओ, I'll handle this यार. Please जाओ, I'll handle her. कुछ और बने या ना बने, एक्टर जरूर बन सकती है. टाइम ही नहीं है भाई. तुम ठीक हो ना? Yes, she looks like. I think अपने फ्रेंड से मिलने जाऊंगी. It's okay ना? Yeah, it's a great idea. ये लो, तुम पैसे ले लो थोड़े. Okay, treat them. Have a good time. I'll take care. क्या चांसेस है कि एक दिन तेरे को ये ब्लफ कॉल करेगा? Zero. आप ही बात करो, आप माँ है ना? इस एज में माँ की नहीं, दोस्तों की जरूरत होती है. तो नहीं, हर एज में माँ की जरूरत होती है. ये बात जब जहान समझेगी ना, तब इसकी प्रॉब्लम खत्म होगी. तो वो साथ चले, डांट पड़ेगी तो आधी आधी. हम प्लीज बोलो. प्लीज ऐसा भी कोई पहाड़ नहीं टूटा कि आप दोनों को गठबंधन करना पड़े. शिवी यार, मंजू मेरा टिफिन. हाँ दीदी, लाई. यार शिवी, जहान की बात को छोड़ ना, आज छुट्टी ले लीजिए. किससे? जहान से, घर से या काम से? पेरेंटिंग से छुट्टी मिल नहीं सकती और काम से लेने का कोई फायदा नहीं. इनको लगता है ना कि सेक्स का मतलब रिश्ता? नहीं, बेचारी टाइप की है. एक तरफ उसकी बच्ची है, दूसरी तरफ उसका एक्स पति, और तीसरी तरफ उसकी खुद की लाइफ है यार, समझा करो तुम. चौथी तरफ तुम भी तो हो, उसे इतना डिफेंड कर रहे हो. अरे तो उसके सामने चुप रहना था ना, दोनों हाथ हैंडलूम में क्यों घुसेड़े? हा हा हा, पालो, वेरी फनी. देखो यार, मैंने कुछ नहीं कहा, ब्रेकअप के बाद वो कर रही थी. ब्रेकअप की बात तो तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ना. वो बेचारी अपने दिल के दुखड़े लेकर तेरे पास आ गई और तूने अपनी शानापंती दिखा दी, क्योंकि तू तो कूल डूड है. नो इमोशंस, नो कमिटमेंट्स, आई एम इजी. दैट्स ट्रू, हाउ वेल यू नो मी, राइट? और मैं उसको वही समझाने की कोशिश कर रहा था. आई एम इजी, इट्स ऑल कूल. मैंने गलत कुछ नहीं किया. हाँ, कुछ गलत नहीं किया ना. अरे लेकिन अगर तुझे कमिटमेंट करनी ही नहीं थी तो समझाने में इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? पॉइंट, 20 साल से जानती हूँ तुझे. 20 साल में तूने कभी किसी को इतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, लेकिन इस औरत को एक्सप्लेन करने के लिए अंदर ही अंदर से तेरी आग फूट फूट के निकल रही है. मैंने कुछ गलत नहीं किया. मूव. चाओ, वी हैव टू डू समथिंग, राइट? वी? मुझे क्यों कुछ करना है? क्योंकि तुझे मैं यहाँ पे फ्री का खाना खिला रही हूँ. चलना भुक्कर, अपने कोच से बात करना. ये प्लेयर कम और एंग्री यंग मैन ज्यादा दिखता है. कहाँ से उठाया अमिताभ बच्चन जी को? एटीट्यूड तो देखो. फील्ड पे प्लेयर एंग्री यंग मैन हो तभी जीतते. सीखना हो तो आजी. आरी, आरी, वेट, लिसन, आरी. जाने दो. तू दोस्त के लिए इतना नहीं करेगा? दोस्त कौन कहाँ. अरे तुझे झेल लेते हैं क्योंकि तू थोड़ी बहुत एक्सबॉक्स और पीसी खेल लेती है. आज रात को एक सेशन रखते हैं. मैं आरी को भी बुला लेती हूँ, हमारी बॉम्बे के गैंग से मिलने का, यू नो समथिंग. आज रात को? हाँ, आज रात को नहीं हो सकता. क्यों, आज क्यों नहीं हो सकता? शाम को मेरा एक सीन है. कितने? अभी के लिए तो मैं और एक नई लड़की एंड माय गैंग. चाओ प्लीज, आई हैव टू डू दिस. तू पागल है? तुझे तो अलाउ भी नहीं करेंगे, यू टू यंग. ये तो तू जानता है ना, और तू किसी को भी नहीं बताएगा, राइट? रॉन्ग. तेरा ये फर्स्ट टाइम होगा एंड आई डोंट वांट टू रिस्क इट. कभी ना कभी तो फर्स्ट टाइम होता ही है ना.
तू पागल है क्या? तेरी मॉम क्या बोलने वाली है? She's gonna give you the permission? वैसे भी तूने बोला है your mom is very strict, खड़ूस है। ना, आजकल वो सिर्फ गिलती है। ओजे, कौन सा फ्लेवर? प्लेन चॉकलेट। साइज? बड़ा। अच्छा चॉकलेट नहीं है लेकिन वाटरमेलन और पीना कोलाडा है। तूने जैसे मांगा था बड़ा वाला पीना कोलाडा वैसे ही है। ए हटना। ये मेरे भाई के लिए है, वो थोड़ा शाय है ना। ओजे फिट आ जाएगा ना? लार्ज साइज 25। या पर बेचारी बहन से क्या क्या करवाते हैं। आई अंडरस्टैंड। वाई वाई अजी, तेरी ड्रामेबाजी ना पक्का तुझे एक दिन मरवाएगी। ओजे उस टाइम तो संभाल लेगा, तब तक के लिए तू चुप रहना, अपना मुंह बंद रख। एंड चाओ ने कहा है वो बहुत चिल जगह है। सुनना, यू लाइक मी एक्चुअली, यू लव चाओ क्या? लव? ओजे मुझे शादी नहीं करनी है। एंड चिल इट्स एडवेंचर, उसके लिए सही टाइम चाहिए, सही लड़का नहीं। हाँ मंजू, तो तुम अपना काम करो ना मंजू, मम्मी से बात करने की क्या जरूरत है? क्या कह रही है जहान? इसे यहाँ से लो ना, यहाँ से लूज करो बेटा, सब्जी तो खानी पड़ेगी ना। अरे पनीर चाहिए था तो पहले बोलना चाहिए था ना। अच्छा ठीक है, तुम कर लो पिज्जा ऑर्डर। हाँ माँ। तूने ही सर चढ़ा रखा है। किसको माँ, जानू को कि मंजू को? मुझे दिखाने के लिए काम कर रही हो। You don't have to do that. Actually, really like slackers. I think they're cool. I'm not a slacker. Okay. मैं सुबह से काम कर रही हूँ। Why am I? तुम यहाँ क्यों आए हो? ये देना है। क्यों? फूलों की दुकान में काम करना शुरू कर दिया। That's so funny. No, actually, मैं apologize करने के लिए आया था। देखो यार, मैंने तुमसे ठीक से बात नहीं की। And I mean, मैं गलत नहीं था। I wasn't wrong at all. In fact, you're quite annoying. But whatever. I'll be the bigger man. Here you go. Wow. ये तुम्हारी अपॉलॉजी है? Yeah. मतलब मैंने गलती की पर मैं गलत नहीं हूँ। Something like that. Great. क्या करूँ इस सॉरी का? ले लो। तो यार दोबारा शुरू करते हैं। We'll go on another hot date. तुम्हें भी मजा आएगा, मुझे भी मजा आएगा। एक बार और करते हैं ना? क्या करते हैं एक बार फिर? क्या? अरे नहीं यार, मेरा मतलब वो नहीं था। मतलब वो भी हो ही जाएगा अगर ऐसे मिलते रहेंगे तो। और लाइक व्हाट, व्हाट्स योर प्रॉब्लम यार? मुझे देखो, तुम्हें देखो, हमारी वाइब, यू नो व्हाट आई मीन? बट अंटिल देन गिव मी अ चांस, एक चांस दे मुझे। आई एम ग्लैड मॉम, आप किसी को तो चांस देती हैं और इन्हें तो काफी कुछ दिया है। जानू आप बिजी होगे, मैं बाद में आती हूँ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल बिजी नहीं हूँ, मैं मेरे पास टाइम ही टाइम है। और यूडी बचा ही रहा है। रियली? Oh, yes, of course, आवाज, मैं तो अभी जा ही रहा था। तो हम कब मिल रहे? ओह, मेरी परमिशन चाहिए मिलने के लिए। I don't care, जिसको जिसे जब मिलना मिल सकता है। I told you, smart girl. तुम चुप रहोगे? मैं से नहीं मिलना चाहती बेटा। मैंने इसे यहाँ नहीं बुलाया, खुद ही आ गया था अपने आप ही। मतलब और वैसे भी वो कहानी कब की खत्म हो चुकी है। Really? कहानी खत्म हो चुकी है? वो कहानी कभी था ही नहीं। इसे छोड़ो, तो बताओ तुम यहाँ क्यों आई हो? मुझे ना परमिशन चाहिए थी फ्रेंड्स के साथ बाहर जाने के लिए। अब आपको अपनी लव लाइफ से टाइम मिलेगा तो आप मेरे बारे में सोचेंगे। एक्सक्यूज मी, वो
लव लाइफ कोई लव वव नहीं यार आई जस्ट यू नो इन केस यू आर कंफ्यूज सॉरी फॉर इंटरप्टिंग प्लीज कंटिन्यू आउट यार पहले तो फूल ले लेना यार मतलब ऐसे लगे तुमने माफी नहीं किया मुझे आउट जान बेटा मेरे पास हमेशा तुम्हारे लिए टाइम रहेगा ओके तो फिर मैं 10 बजे तक आ जाऊंगी इतनी रात तक तुम बाहर रहोगी इसका मतलब मुझे परमिशन नहीं मिल रही आपसे तो यू डोंट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है बेटा आई ट्रस्ट यू हाँ तो फिर मैं जा सकती हूँ ओके अरे आइए ना नानी कुछ नहीं कर सकती है तू प्रॉब्लम क्या है तेरी क्या है नानी जल्दी से चक्के बताइए कैसी बनी है सब्जी फिलहाल मैं डाल दी तूने मना किया है ना तेरे को हे भगवान वो तो भूल ही गई मैं बना बना चल जल्दी से मैं सीरियल मत मिस कर रहा हूं क्या भाई क्या देख देख हो गया ना मैं बोल रही थी तेरे को तूने दिला उसको तूने लेके दिया वाई कहाँ है उसे हाँ निखिल शिवा जानू कहाँ सुबह ब्रेकफास्ट पे तो नहीं आई और अब तो फोन भी नहीं उठा रही मेरा वो सुबह तुमसे मिलने ब्रेकफास्ट पे नहीं आई मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ तो तुम मुझे अब पूछ रहे हो तब फोन करके क्यों नहीं पूछा कि वो कहाँ है अरे मुझे लगा तुमने परमिशन नहीं दी होगी यार उसने वीडियो निकाला था ना तुम्हारा बहुत ही बढ़िया था वैसे काफी लोगों ने देखा एनीवे ये सब छोड़ो जानू है कहाँ वो अपने दोस्तों के साथ गई She's carrying condoms. उसने कुछ भी किया ना, I'll kill you. कौन से दोस्त हैं? God, Shiva, don't tell me कि तुम्हें पता ही नहीं है कि उसके दोस्त कौन से हैं, गई कहाँ हैं? Mom, just look at her. How irresponsible is she? Shiva, दिमाग कहाँ है तुम्हारा? Call someone, do something. How irresponsible you are. फोन किसको कर रही हो कॉलर नो नो